शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को पीने के लिए साफ और स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए, परंतु बड़े अफसोस की बात है भदोही जनपद ज्ञानपुर ब्लॉक के पकड़ी खुर्द प्राथमिक विद्यालय में पिछले 2 साल से हैंडपंप खराब पड़ा है, जिससे वहाँ पढ़ने वाले 50 बच्चों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। विद्यालय में मुख्य समस्या नल की है। नल खराब होने के कारण हम दूसरे नल पर जाते हैं, जिससे वहाँ के लोग डांटते हैं और मना करते हैं। 2 साल से लगभग ये यहाँ पे कई समस्याएं हैं, जैसे यहाँ पे नल खराब है, जिससे बच्चों को पानी पीने में समस्या होती है। पानी पीने के लिए कहीं जाते हैं तो वहाँ के लोग वहाँ उन्हें भगा देते हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए हेडमास्टर साहब अपने स्तर से कई बार प्रयास किए। एक बार हम भी जब चार्ज में थे तो एप्लीकेशन दिए थे संकुल के माध्यम से, लेकिन इस पर कोई कार्यवाही अभी तक नहीं हुई। हम ये चाहते हैं कि ये सब समस्याएं दूर हो जाएं और विद्यालय मतलब अच्छे से इसका सुचारू ढंग से चले। हमारे विद्यालय में नल बन जाए और बाउंड्री बन जाए, जिससे हम लोग की सुविधा हो जाए। इस विद्यालय का हैंडपम्प जल्द से जल्द ठीक कराया जाए, ताकि इन बच्चों की समस्या दूर हो सके। मैं वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से अपील करता हूं कि आप भदोही जिले के BSA जिनका मोबाइल नंबर 94-53-00-41-99 पर कॉल कर दबाव बनाएं, ताकि यहां पर जल्द से जल्द हैंडपम्प ठीक कराया जा सके। मैं अनिल कुमार, भदोही उत्तर प्रदेश से, इंडिया अनहट के लिए।